हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज जैसे कि मैंने कहा था, कृष्णाष्टमी का ब्लॉग आने वाला है, तो अभी मैंने पूजा की सही तैयारी शुरू की है और अभी बज रहे हैं, समय 6 हो रहा है क्योंकि रात में ही पूजा होता है। और अभी मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं, तो बाबू ने कहा था रसगुल्ला बनाने, तो अभी मैं जा रही हूँ रसगुल्ला बनाने। बाकी कुछ जो भी नैवेद्य है वो लेकर आएंगे, और जिसको कि चाइनीज़ बॉल कहते हैं, अभी तो चाइनीज़ बॉल भी बोलना थोड़ा सा अजीब लगता है, तो कुछ बॉल देखती हूँ मैं वो क्या कुछ ला पाते हैं। जब तक वो आते हैं उससे पहले मैं रसगुल्ला बना लेती हूँ, गुलाब जामुन, और फिर बाबू को कृष्णा बना के रखूँगी। फिर वो आएंगे तो पूजा में हम लोग लगेंगे। थोड़ा सा भगवान का घर भी समेटना है, पल्लव वगैरह मैंने मंगाया है तो उसको भी डेकोरेट करना है। तो चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं कैसे हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। तो चलिए अब पहले किचन चलते हैं। तो मैंने इससे एक कटोरा लिया था गुलाब जामुन का आटा, तो इससे दो कटोरी मैं चीनी लूँगी, और गुलाब जामुन का आटा मैंने मिला कर रख दिया है। इतना ही पानी लेना है जैसा इसमें बताया गया है। और इसे 5 मिनट के लिए रखने के लिए कहा जाता है, तो मैं रख देती हूँ। और इसमें इलायची का पाउडर और थोड़ा सा गुलाब जल डाल दूँगी। तब तक इधर मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ, और गुलाब जामुन का आटा मैंने मिला लिया है। ये देखेंगे, पहले से ही मैंने मिला कर रख लिया था ताकि बनाने में आसानी हो। तो चलिए जल्दी जल्दी बना लेते हैं। यहाँ पर मैं इलायची को बेलन से भूख रही हूँ, और उसके पाउडर को मुझे चाशनी में डालना है, और थोड़ा सा मैंने गुलाब जल भी डाला हुआ था जो कि मैंने ऐड नहीं किया है उसका क्लिप। और उधर मैंने कढ़ाई में रिफाइंड डाल दिया, डालूँगी, अभी मैंने डाला नहीं है, मैंने डाल दिया रिफाइंड अब, और चाशनी को मिला लूँगी। उसके बाद ये जो लोई है इसमें काफ़ी समय लगता है हाथ पर पूरा गोल करने में। आप जितना इसको नरम करके बनाइएगा उतना ही गुलाब जामुन आपका बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा, और कहीं से भी खुरदुरा ऊपर से नहीं दिखेगा। लेकिन मेरे पास समय कम था और इसीलिए मैंने ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं किया, लेकिन खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। बस थोड़ा सा जिसको कहते हैं चिकना, उतना ज़्यादा नहीं हुआ था, तो नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो मैं उसमें मेहनत करूँगी। अभी काफ़ी कम समय था मेरे पास इसीलिए, और मैंने ज़्यादा बनाया भी नहीं था, 14-15 पीस बनाया था। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी सारे गुलाब जामुन का लोई कर लूँगी, और तब तक इधर चाशनी भी मेरा हो गया है और इधर तेल भी गर्म हो गया है। इस तरह से मैंने सारे लोई को बना लिया है जल्दी जल्दी थोड़ा सा, क्योंकि बाबू को भी तैयार भी करना है, काफ़ी समय लगेगा तैयार करने में। अब यहाँ पर मैं एक एक करके सारे लोई को रिफाइंड में डाल दूंगी, और खिड़की से हवा आ रही है, बहुत अच्छी हवा आ रही है। मैं तो चूँकि भारी साड़ी पहनकर बना रही थी, तो मुझे लग रहा था कूलर सेट करना होगा किचन में, लेकिन किचन में बहुत अच्छी हवा आ रही थी, तो मैंने थाली लगा दिया था क्योंकि गैस बार बार बुझ जाने का डर था। तो इस तरह मैंने सारे गुलाब जामुन को डाल दिया। अभी चीनी का डब्बा मैंने उठा कर नहीं रखा है, ये सब मैं साइड में करके रखती हूँ क्योंकि मैं व्रत करती हूँ, तो थोड़ा सा चीनी इधर अलग हटा के रखती हूँ और बाकी उधर एक साइड में रख देती हूँ। इस तरह से सारे बड़े बड़े गुलाब जामुन बने थे, और इतना अच्छा बना था। और अभी तो मैं बनाती नहीं, लेकिन बाबू बार बार 2-3 दिन से लगातार बोल रहा था, तो मैंने कहा आज ये कृष्णा बनेगा मेरा कान्हा, और ये फरमाइश है, तो इतनी छोटी सी फरमाइश तो पूरी होनी ही चाहिए। और जब मेरे हस्बैंड आए थे तो कोई भी फूल वगैरह नहीं मिल रहा था, कुछ सामान मिल रहे थे, कुछ सामान नहीं मिल रहे थे। और यहाँ पर आप देखेंगे मेरा गुलाब जामुन तैयार हो गया है, फटा तो एक भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा चिकना नहीं हुआ है ऊपर से। और यहाँ पर मैं बिल्कुल सारे गुलाब जामुन को गर्म गर्म ही चाशनी में डाल दूँगी, और चूँकि मुझे ये गुलाब जामुन थोड़ा जल्दी पकाना है, जल्दी यूज करना है, इसीलिए मैं ढक्कन डाल दूँगी, और थोड़ा समय अगर रहे तो बिना ढक्कन का भी ये काफ़ी अच्छा होता है। तो इस तरह से सारा गुलाब जामुन मेरा बन गया है। गुलाब जामुन बनने के बाद मैंने कुछ नहीं किया था, बस आलू बॉयल होने के लिए गैस पर रख दिया था, और मैं आ गई थी मंदिर की तरफ, क्योंकि मंदिर में भी अभी मुझे आम का पल्लव वगैरह जो भी मैंने मंगाया है सब कुछ उसी तरह रखा हुआ है, और बाबू को भी तैयार करना है। तो चलिए अब मंदिर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं आ गई हूँ, और बालकनी के पर्दे को हटा रही हूँ क्योंकि हवा अच्छी चल रही है और गर्मी थोड़ा सा है,
तो यहाँ पर मैंने पुराने जितने भी आम के पल्लव थे सबको मैंने हटा दिया। और मैं इनसे पूछ रही हूँ आपको आने में कितना समय है, क्योंकि बाबू को तैयार करूँगी तो ज़्यादा देर उसको हो सकता है कि गर्मी लगे, मैंने ये सोचा था, लेकिन बिल्कुल उसको गर्मी नहीं लग रही थी और हवा इतनी अच्छी चल रही थी और हवादार ये पूरा मकान है, आप देखते ही हैं। तो मैंने सारे पुराने आम के पल्लव को हटा दिया और नए पल्लव को एक एक करके मैंने इसमें सेट कर दिया है। और ये बोल रहे थे कि नहीं अब तुम तैयार उसको कर दो क्योंकि मैं 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तो ये मैं जल्दी से करके जल्दी जल्दी मैंने इसको किया और ये भी मुझे काफ़ी हेल्प कर रहा है। यहीं पर जब मैं कुछ भी करती हूँ ये मेरे आसपास ही रहता है, जिसको कहते हैं ना पूछ, ये मेरा पूछ है, मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं हटता है, मेरे पीछे पीछे मेरे पास बैठा रहेगा। और इस तरह से मैंने जल्दी जल्दी इसको सेट कर दिया, उतना अच्छा तो नहीं हुआ लेकिन मैंने किया। और बाकी जो पुराना था सबको उठा कर मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। चलिए अब बाबू को तैयार करते हैं। अब और ये इतना शांति से तैयार हो रहा था, ये क्योंकि मुझे मेकअप करते देखता है तो इसे लग रहा था कि अब मुझे आईलाइनर लगाओगी, आई शेडो लगाओगी। मैक्सिमम प्रोडक्ट का इसको नाम पता है मेकअप प्रोडक्ट का। और इतना प्यारा मेरा बेटा लग रहा था, है भी, आप लोगों ने भी ऐसा कहा, आप लोग देख भी रहे हैं और आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखेगा क्योंकि मेरी सास, मैंने बताया था आपको, मुंबई में है, मेरे ससुर भी मुंबई में, सास भी मुंबई में है, मेरे देवर वहाँ रहते हैं और वो फ्यूचर ग्रुप में मैनेजर हैं। तो वहाँ का मैं अभी आपको थोड़ा सा क्लिप दिखाऊंगी वहाँ पर किस तरह से कृष्णाष्टमी मनाया गया था। मेरी सास बहुत पूजा पाठ करती है और वो इतना खुश हुई थी इस वीडियो कॉल को, मैंने वीडियो कॉल करके उन लोगों को दिखाया था, बहुत ज़्यादा वो लोग खुश हुई थी। वहाँ से भी मेरे देवर ने वीडियो क्लिप भेजा है, थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी। करीब वहाँ पे बाल गोपाल है, इसीलिए मैंने बाल गोपाल नहीं ख़रीदा क्योंकि घर में एक रहता है तो दो चार नहीं रखना चाहिए जैसा हमें पता है। तो चांदी का मुकुट, जितना उनका ड्रेस वगैरह है, इतना अच्छा से पूजा करती हैं मेरी सास, बहुत पूजा करती हैं, अच्छा अच्छा भजन गाती हैं। तो मैं अभी थोड़ा सा आपको वो क्लिप दिखाऊंगी, यहाँ मैं बाबू को तैयार कर रही हूँ। तो चलिए देखिए किस तरह से मैं तैयार कर रही हूँ और मेरा बेटा कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और चैनल को पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, हर चीज़ से जुड़ा हुआ इसमें आपको चीज़ मिलेगा, चाहे क्लीनिंग हो, मेकअप हो, कटिंग स्टिचिंग हो, हर दिन का मेहनत ट्रिक के साथ आपको मिलेगा। आप लोग जो पुराने हैं उनको समझ में आ रहा है, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखिए मेरा बेटा तैयार हो रहा है और मिलते हैं अब हम आपसे कुछ देर बाद। और यहाँ पर मैं उसके कान पर ना बिंदी लगा रही हूँ क्योंकि कान का जो था वो चिपकाने वाला था, मुझे लगा दर्द दर्द भी होगा और गिर भी सकता है, चुभ भी सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको मैरून कलर का उसके ड्रेस से मिलता जुलता बिंदी लगा दिया है। और ये जो आप बांसुरी देख रहे हैं ये तो मैंने बताया ही था किस तरह मैंने इसको सेलोटेप लगा कर इसको बनाया है। तो ये सब छोटे छोटे ट्रिक हैं जो कि आपको हर ब्लॉग में देखने को मिलेंगे। देखिए देखिए आप लोग बताइएगा मेरे कृष्ण भगवान कैसे लग रहे हैं, इतना प्यार से ये तैयार हुआ है, जो जो मैंने किया सब कुछ ये करवाया है। तो देखिए बताइए मेरे कृष्ण जी कैसे लग रहे हैं भाई, बहुत मेहनत से मैंने तैयार किया है मेरे कृष्ण जी। नहीं गाया बेटा, हम रुके आ गए। और यहाँ पर ये बस थोड़ा सा बदमाशी कर रहा है तो उसको मैंने रिकॉर्ड किया है, बदमाशी तो पूरा किया था जो कृष्ण भगवान जिस तरह से करते हैं। और मैं सबको वीडियो कॉल करके दिखा रही थी, ससुराल में भी वीडियो कॉल करके दिखा रही थी और यहाँ पर ये पूरा डांस कर रहा था और मैंने गाना चलाया हुआ था।
तो बोल रहा था तुम भी मेरे साथ डांस करो बिट्टू। ये माँ मुझे बहुत कम बोलता है, जो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं तो ये भी मुझे वही बोलता है। और बहुत देर तक डांस किया था क्योंकि मैंने बिल्कुल समय के साथ सारा काम कर लिया। मैं, आप लोग जानते हैं, मैं बिल्कुल ट्रिक के साथ काम करती हूँ। बड़ा से बड़ा काम क्यों ना हो, मैं एकदम ऐसा कर लेती हूँ कि पूरा निश्चिंत हो जाती हूँ। अभी आपने देखा मैंने रसगुल्ला भी बनाया और उधर मैंने सब्जी भी चढ़ा दी है, मैंने भगवान का घर भी डेकोरेट कर लिया, मैंने बाबू को भी तैयार कर दिया है, मैं खुद तैयार हो गई हूँ। और ये सब मैंने शाम के 6 बजे से शुरू किया था। उसके बाद मैं इंतज़ार कर रही हूँ इनका, और जब तक ये नहीं आ रहे हैं तो गाना बजा कर इंजॉय कर रही हूँ। तो ये है लाइफ, बिल्कुल स्ट्रेस लाइफ में लेकर आगे नहीं बढ़ना है, बिल्कुल हमेशा खुश रहिए। अगर आप खुश रहेंगे तो आपको हर पल लगेगा कि हम जी रहे हैं, क्योंकि टेंशन और चिंता तो हर समय है। आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो आपको 4 लोग आपको रोकने वाला और आपके खिलाफ़ बोलने वाला मिल जाएगा। इस चैनल के बारे में भी कुछ लोगों ने मुझे कहा है तो मैं आपको ये सब बताऊंगी, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या कह रहा है, मेरी अपनी निजी ज़िंदगी है। और यहाँ आप देखेंगे ये पूजा हो गया था, उसके बाद मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि जिस समय पूजा हो रहा था तो वीडियो कॉल करके मैं सबको दिखा रही थी, अपनी माँ को, सास को और अपनी बहन को, तो सबको मैं दिखा रही थी, इसलिए मैं उसमें रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मोबाइल से वीडियो कॉल कर रही थी। तो ये पूजा होने के बाद का है, और ये देखेंगे आप पेड़ा, रसगुल्ला, मखाना, जो भी मलाई है इधर सारा, छोटे छोटे कटोरे में ड्राई फ्रूट्स है, जितना भी था भोग नैवेद्य मैंने लगा दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा अपने मुंबई का क्लिप दिखाती हूँ, वहाँ जो पूजा हुआ है उसको ज़रूर देखिएगा। जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा दुलार की, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा दुलार की, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, हाथ मांगे घोड़ा मांगे और मांगे पालना, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल, जय हो। तो डियर बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को देखकर, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। मेरी सास बहुत ही अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छी हैं वो, और ये देख रहे हैं मुंबई का सीधा मैंने आपको दिखाया, कितना प्यारा लग रहा है। तो डियर आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, एक अच्छे से ब्लॉग को लेकर आपसे मिलती हूँ, बने रहिए इस चैनल के साथ। बाय बाय डियर।